इन्हें जब बहुत ज्यादा गर्मी लगती है तो ये कुत्ते की तरह ही होते हैं, जीभ निकाल के हिसाब से मुन्नू यंग है। ये रुई का गोला, इसे पहले मैं घुसाती हूँ। परिंदे अपनी साफ सफाई कर रहे हैं, देखिए कितना गंदा बनाया। अब मैं अब कुछ करूंगी तो रो चिल्लाएंगे। प्रत्येक बच्चर है तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक बार फिर से रूपाली जिंदगी में आप सभी का स्वागत है। आज तो संडे है और मैं आज सुबह सुबह ही इन सबके पास आ गई हूँ। 8:30 बजे है और ये बंदे देखिए निकलने के लिए छटपटा रहे हैं। ये गिरता पड़ता बाहर आ रहा है। तेजी नहीं, चुन्नू है ये। चुन्नू ने आते ही उड़ान भर ली। हाँ हाँ हाँ, आ जाओ। चलो ये खेल ले, थोड़ी मस्ती कर ले। दीदी कैसे है दोस्तों आप सब? ये बंदे तो मस्ती कर रहे हैं और मैं चाय पी रही हूँ। मेरी सुबह तो शुरू हो गई क्योंकि आज तो संडे है, संडे में सभी की छुट्टी होती है। लेकिन हमें अभी एहसास नहीं हो रहा कि वीक डे और वीक। देखिए सर के ऊपर से ये कितने खुश है छूटने का। अरे मुझे तो बात ही खत्म करने नहीं दे रही है लोग। हमारा वीक डे और वीकेंड कुछ एहसास नहीं हो रहा, अभी तो बहुत ही काम है इस वजह से। चलिए चाय भी पी लेते हैं, नहीं तो ये अपनी उड़ान भरकर कब मेरे चाय के कप के अंदर आ जाएंगे इसका भी कोई पता नहीं है। इन्हें जब बहुत ज्यादा गर्मी लगती है तो ये कुत्ते की तरह ही होते हैं, जीभ निकाल के हा 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 करते रहते हैं। देखिए ये, देखिए ये इनकी गर्मी लगने का एहसास है इन्हें। इस कमरे में थोड़ी गर्मी ज्यादा बढ़ जाएगी, खिड़की खुलने से सफोकेशन खत्म हो जाता है। आपको गर्मी लग रही है, मैंने अभी फिर भी इसे पानी पिलाया पकड़कर। ये पानी नहीं पीता ये बंदा। साग की पत्तियों को तो इन लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से खाया है, पत्ती से ज्यादा डंटल का इस्तेमाल इन लोगों ने किया है। वाओ लो, ये बंदा कहाँ चला? भैया खिड़की की तरफ मत जाओ, बाकी सब काम करो। चलो जाओ, उड़ो 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 उड़ो। हाँ इसने तो अंदर पंख फैला लिया लेकिन बाहर नहीं निकलता। ये कुछ बंदे हैं एकदम बाहर नहीं निकलते। देखिए यहाँ पर सब बैठे हुए, नीचे दरवाजा खुला हुआ है, लेकिन इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक मैं हूँ ये बाहर नहीं निकलेंगे। हम लोगों की एक हैबिट है कि हम लोग इनको इनके माँ से बाप पिता से अलग नहीं करते, वो लोग भी इन्हें खाना खिलाते रहते हैं, तो जिस वजह से ये पूरी तरह से हमारे पास टेम्प्ट नहीं हुए। और ये बंदे तो इन लोगों को हम लोगों ने थोड़ी जब ये बड़े हो गए थोड़े उसके बाद ही निकाला था। हम इनको इनके भाई बंधुओं के साथ ही छोड़ देते हैं। बाप रे मुन्नू की हालत तो बहुत खराब है, उसे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। मतलब इसके एज के हिसाब से मुन्नू यंग है सबसे। मुन्नू हाँ, नहीं भागना, अब नहीं दौड़ना, एक जगह शांत तो कर रहा हो, तुम्हें बहुत गर्मी लग रही है, तुम्हारी पहली गर्मी है इस वजह से। मुन्नू छोटा सा मुन्नू बला हो गया, शांत हो। हाँ शांत हो जाओ मुन्नू, शांत हो गए तो गर्मी नहीं लगेगी इतनी। कूल डाउन। मुन्नू की वो जीभ निकालने वाली हरकत खत्म हो गई है, उसकी आंखें बंद हो रही है, उसे आराम का एहसास हो रहा है। कुछ नहीं है, तुम्हारे भाई बहन वहां नाच रहे हैं, टेडी और चुन्नू वहां नाच रहे हैं। कहाँ है देख लेती हूँ। नहीं ठीक है, ये रहे बंदे दोनों यहाँ उधर मस्ती कर रहे हैं। चुन्नू तो गर्दन हिला हिला कर इधर उधर देखता रहता और मुन्नू ने यहाँ अपनी गर्दन झुका दी है। ना शांत हो। अब यहाँ पर ये बंदे भी आ चुका है, कोशिश करती हूँ पढ़ने की लेकिन
ये तो प्रैक्टिकल है ना, किताबों की भाषा तो नहीं है, ये प्रैक्टिकल है। इन्हें जितना देखते हैं उतना हम सीखते हैं। ये थोड़ी देर मैंने हाथ हटाया है, मुन्नू क्या करेगा? तो गर्दन नीचे की मेरे हाथ की तरफ आ रहा है। हाँ हाँ, अच्छा गले में नहीं, उसके गले में नहीं करना, उसके सर में करना है। वो जहां जाए कहेगा मुझे वही वही करना है, अलग जगह नहीं करनी। इन लोगों ने तो नाक में दम करके रख दिया है, इधर से उधर मटक रहे हैं। चलो हो गई शांति। हाँ मुन्नू अब शांत हुआ है। देखिए मुन्नू की हालत अब पहले से नॉर्मल है। अब तेजी चुन्नू है, ये तो चुन्नू है। अच्छा चुन्नू को तो आराम पसंद नहीं है। इस कमरे में खिड़की बंद करने से बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है। देखिए मैं भी पसीने से तरबतर हो गई, थोड़ी देर में ही मुझे खिड़की खोलनी पड़ेगी। इनके छोटे मोटे बीमारियों के लिए हम क्लोरोक्वीन ही यूज करते हैं। इन्हें देखना है, ये सुस्ता रहे हैं, इनकी एक आंखें बंद हो रही है, ऐसी हालत में इन्हें क्लोरोक्वीन पीने से ये बेहतर फील करते हैं। वैसे इस वेदर में भी इन्हें ठंड लगने का होता है, क्योंकि अचानक गर्मी बहुत ज्यादा हो गई है, ठंड है, दोनों मिलाकर इन्हें सर्दी गर्मी हो जाती है। इनको भी गर्मी लगती है तो उस समय भी ये देखिए मुन्नू की आंखें बंद होती जा रही है, एक आंख बंद है एक आंख खुली रहती है, ये उसकी तबीयत खराब होने की निशानी है। मेरा रुई का गोला मेरे हाथ में आ गया है। चलिए बहुत देर इनके साथ खेल लिया है, अब नीचे जाने का भी वक्त है, क्योंकि इनकी मुझे खिड़कियां खोलनी है, नहीं तो हवा पास नहीं होगी और इन्हें भी गर्मी लगेगी बहुत ज्यादा। चुन्नू वहां मस्त है। ये रुई का गोला, इसे पहले मैं घुसाती हूँ। चलो बेटा खेल लिया। 12:30 बज गए हैं, मैं इनके पास आई हूँ, नहाने का पानी मैंने दिया है और टेडी खुद निकलेगा, दूसरे को निकलने नहीं देगा। आ चुके हैं तीनों नहाकर, अब यहाँ पर आए हैं। इन्हें थोड़ा मैं खाने के लिए कुछ दे देती हूँ दाने। नहा लिया, कैसा लग रहा है नहाकर? नहाकर कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। नहाकर इन्हें नींद आती है। साफ सफाई चल रही है मुन्नू की, वहां टेडी आ रहा है, टेडी सबको भगाता रहता है। तीनों ही परिंदे अपनी साफ सफाई कर रहे हैं। वहां पर मैंने नहाने का पानी दिया, उसमें डुबकी नहीं लगा रहा, ये पीने के पानी में डुबकी लगाए जा रहे हैं। और यहाँ पर तो हजामत हो रही है एक दूसरे की। नहा धो तो लिया है, अब बंदे खाना खा रहे हैं, खाना नहीं खा रहे, खाने को फैला रहे हैं। देखिए कितना गंदा बनाया। अब मैं अब कुछ करूंगी तो रोज चिल्लाएंगे, इतनी गंदगी फैलाई तुम दोनों ने। और यहाँ इनकी मस्ती चल रही है, झूले पर ये बंदा उत्पात किए जा रहा है, देख रहे हैं एक आंख से। चलिए दोपहर के 1:30 बज गए हैं, इनका खाना पीना नहाना सब कुछ हो गया है, अब हम भी नीचे चलते हैं इन्हें यहीं पर ऐसे ही छोड़कर। चलिए दोस्तों शाम के 6:30 बज गए हैं और एग्जीबिशन का एक न्योता आया है, मैं उसी को अटेंड करने जा रही हूँ। चलिए आप भी मेरे साथ वहाँ चलते हैं, देखते हैं क्या क्या मिलता है वहाँ पर।
मेरी भाभी एक एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट कर रही है, तो उन्होंने बहुत पहले ही मुझे आने के लिए कहा था। आज मुझे वक्त मिला है उनसे मुलाकात करने का, तो इसीलिए चैत्र सेल कह सकते हैं या एग्जीबिशन कह सकते हैं या भाभी से मुलाकात चल रही हूँ। थोड़ी घबराहट हो रही है क्योंकि मैं ये रोड एक्सप्लोर कर रही हूँ। बहुत सालों बाद मैं इन रास्तों से गुजर रही हूँ। पहले बावन को लेकर मैं इन रास्तों से ट्यूशन जाती थी उसे लेकर, लेकिन बहुत साल हो गए, बहुत तकरीबन 7-8 साल तो हो ही गए हैं इन रास्तों में मेरा चलना नहीं हुआ। अब फिर से जा रही हूँ। मैंने पता तो पूछ लिया था, पर फिर भी थोड़ी इस वजह से थोड़ी घबरा रही हूँ। बाबन ने और भाभी ने जो रास्ता बोला था, मैं उसी रास्ते को फॉलो करके आगे बढ़ रही हूँ। सर के मकाने सब एक जैसे ही लग रहे हैं। दूर तो बहुत बड़ा बैनर दिखाई दे रहा है, शायद यही होगा, यहीं पर वो गैलरी है। चलो पहुंच तो गए ठीक जगह। चलो एट लास्ट मिला मुझे। चलिए जहाँ से अनाउंस हो रहा है वहाँ पर चलते हैं अंदर। चलो एट लास्ट भाभी के पास पहुंच ही गए। भाभी ने कितने सुंदर तरीके से अपना स्टॉल सजाया है। कई तरह के स्नैक्स है और केक वगैरह बने हुए हैं। ऐसे केक भी है जो बाबूजी केक जो अभी मिलते नहीं है दुकानों में, वो उनके पास है। भाभी खुद केक का बिजनेस भी करती है। चलिए आसपास के स्टॉल भी थोड़ा घूम लेते हैं, देख लेते हैं क्या क्या सामान यहाँ बिक रही है। भाभी ने चिकन सैंडविच और मूस मुझे दिया और कोल्ड ड्रिंक्स भी टेस्ट किया, बहुत सुंदर उसका टेस्ट था। वैसे उन्होंने पापड़ी चाट कॉफी वगैरह सब कुछ बनाया था, लेकिन गर्मी की वजह से मैंने वो सब कुछ ट्राई नहीं किया। उनसे पूछने पर पता चला कि वो साल में 2 बार ऐसे ही सेल देते हैं, और एक तो पूजा के टाइम में होता है और ये चैत्र सेल होता है। उन्होंने ये जानकारी हमें दी। ये दीदी का खुद अपने बुटीक है, और ये सीथी मोड़ में जो मेला है वहाँ पर भी इन्होंने स्टॉल दिया है, और ये शांति निकेतन से भी अपने सामान लाती हैं और अपना बुटीक चलाती है। और ये भाई साहब तो खुद कुर्ते पर खुद डिजाइन करते हैं, भरते हैं। देखिए कितने सुंदर है इनके सामान भी। भाभी और भाभी की दोस्त की मैंने वीडियो भी बनाई। एग्जीबिशन तो घूमना हो गया, अब घर की ओर चलते हैं। दोस्तों घर तो लौट आए हैं। वही होता है ना, मार्केटिंग में गए और कुछ ना खरीदा, ऐसा हो ही नहीं सकता। वही जाकर हमने कुछ ना कुछ तो खरीदा है। उसी के वहां से मैं ये चिकन सैंडविच और मूस खरीद के लाई हूँ, और तो जूस तो मैंने वहीं पर पिया था। और खरीदारी तो बनती है। ये हैंडमेड सैंडल इत्र है, सेंट पर इत्र कह सकते हैं हम इत्र। ऐसे वाला जो कि मुझे बहुत दिनों से तलब थी, यहाँ पर देखा तो स्टॉल में मुझे मिल गया। 7:30 तो बज चुके हैं और ये व्लॉग खत्म करने का भी वक्त हो गया है। आई होप दोस्तों आज का व्लॉग भी आप सभी को अच्छा लगा होगा। तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकॉन जरूर दबाइए जिससे नया नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। दोस्तों कल फिर नए ब्लॉग के साथ आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड नाइट, सेफ रहे, स्वस्थ रहे।